वज़ीर आज़म इमरान खान की मीरपुर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल आमद, जलजले से होने वाले जख्मियों की इयादत की। वज़ीर आज़म को जलजले से होने वाली तबाही और इकदामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का जलजला मुतासर इलाकों का फजाई दौरा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को जेल में सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने हुक्म दिया कि जो सहूलतें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को दी जा रही हैं वही शाहिद खाकान अब्बासी को दी जाए। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में नया मोड़। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने केस से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। मुकदमा एटीसी से दोबारा सेशन अदालत भेज दिया गया। चूनिया में एक और बच्चे की बाकियात मिल गई। पांचवें बच्चे की बाकियात पहले बच्चों के क्राइम सीन से आध किलोमीटर के फासले से मिली। पुलिस का कहना है कि मिलने वाली बाकियात लापता अमीर हमजा की हो सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मीरपुर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल आमद, जलजले से होने वाले जख्मियों की इयादत की। वज़ीर-ए-आज़म को जलजले से होने वाली तबाही और इकदामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जलजला मुतासर इलाकों का फजाई दौरा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को जेल में सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने हुक्म दिया कि जो सहूलतें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को दी जा रही हैं वही शाहिद खाकान अब्बासी को दी जाएं। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में नया मोड़। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने केस से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। मुकदमा एटीसी से दोबारा सेशन अदालत भेज दिया गया। चूनिया में एक और बच्चे की बाकियात मिल गई। पांचवें बच्चे की बाकियात पहले बच्चों के क्राइम सीन से आध किलोमीटर के फासले से मिली। पुलिस का कहना है कि मिलने वाली बाकियात लापता अमीर हमजा की हो सकती हैं।